कुछ नहीं करना। नहीं कहा आपको। अच्छा दूसरी बात ये बताइए, अभी आप के लिए क्या करें? इसका उदाहरण दे रहे थे, मायावती जी कहती हैं उन्होंने उन्होंने बकायदा फ्लेक्स छपवा करके जयशंकर है अपनी बहन को पेश करो। ये मैंने कहा था हजरतगंज चौराहे पे, इसका उदाहरण दिया था। Got Vijay Bahadur Pathak joining us on the phone line for more on this story. Mr. Pathak, thank you very much for joining us today. How do you, you know, respond to what Dayashankar this time has said and then clarifying after in a way insulting? आप किस तरह से देखेंगे इस पूरी मुद्दे को? पहले दयाशंकर ने एक गलत तरीके से बात की मायावती के बारे में और अब फिर से उन्होंने उनको जो है इंसल्ट करा है, आप किस तरह से देखेंगे? जी को ही इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा। दयाशंकर जी का मैं प्रवक्ता नहीं हूं और भारतीय जनता पार्टी के दयाशंकर सिंधिया सदस्य भी नहीं है। पार्टी ने उन पर कार्रवाई करते हुए निकाल दिया और भारतीय जनता पार्टी इस बात से असहमत है किसी के बारे में भी मर्यादाओं का हनन हो, चाहे वो मंत्री आजम खान हो जो जयप्रदा जी के बारे में बोलते हैं, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो जिन्होंने दयाशंकर जी की बेटी के बारे में कहा, जिन पर पास्को एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज है, आईपीसी की धाराएं भी लगी हैं, लेकिन बुआ भतीजे के रिश्तों के कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी इस बात से असहमत है, राजनीति में मर्यादाएं होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए और भाषा की मर्यादाएं कहीं कोई तोड़ रहा है तो वो उचित नहीं है। पर आप मतलब क्या कहते हैं कि इस तरह से क्या कोई भी किसी के भी बारे में इस तरह के जो शब्द हैं वो प्रयोग किए जा सकते हैं? आपका क्या मानना है, पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरी सिचुएशन को लेकर? नहीं, मैंने कहा कि इस तरह के, मैंने इसलिए आपको बताया कि चाहे आजम खान जयप्रदा जी के बारे में कहते हों, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी दयाशंकर जी की बेटी के बारे में कहते हों, या दयाशंकर जी ने जो मायावती जी के बारे में कहा, ये सारी बातें नहीं की जानी चाहिए। भाषा की मर्यादा की आवश्यकता है। अपने बारे में दयाशंकर जी स्पष्टीकरण देंगे, भारतीय जनता पार्टी से उसे लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से की भाषा इस्तेमाल की गई वो कदाचित उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश में बुआ भतीजे के रिश्तों के कारण नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर अभी तक समाजवादी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, आरटीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है, कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तो दयाशंकर सिंह पर कार्रवाई कर दी, उन्हें पद से मुक्त किया। उन्हें पर मिस्टर पाठक, ये पहली बार नहीं है, अभी आपने खुद ही बोला पहले भी दयाशंकर जो है इस तरह के बयान दे चुके हैं, इस तरह की बात कर चुके हैं मायावती के लिए, तो पार्टी का कुछ तो एक्शन होना चाहिए इनके इनको लेके, ताकि आगे कम से कम यूपी में इलेक्शन भी आ रहे हैं, आप ही की इमेज को पूरा वो जो है खराब कर रहे हैं, तो पार्टी क्या कुछ एक्शन लेगी इनके इस तरह के बर्ताव, इस तरह के कॉमेंट्स को लेकर? देखिए, मैं आपके माध्यम से राज्य की और देश की जनता को भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दयाशंकर सिंह सदस्य नहीं है। जब उन्होंने पहली बार किया तो हमने तो कार्रवाई की, हमने उन्हें पद से हटाया, पार्टी से निकाला, पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामचंद्र राजभर पर आज तक बसपा ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब वो जब मेरी पार्टी के सदस्य नहीं है तो उनके बारे में स्पष्टीकरण मैं कैसे दूंगा? इसका जवाब तो दयाशंकर सिंह खुद देंगे, न तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है उस बात के लिए, लेकिन मायावती जरूर जिम्मेदार है कि उनके नेताओं ने जो टिप्पणियां की उन पर आज तक पार्टी के स्तर पर न तो कोई कार्रवाई की, न तो समाजवादी पार्टी ने आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद कोई कार्रवाई की। जी मिस्टर पाठक, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस योर कमेंट्स ऑन दिस स्टोरी। सुधींद्र भदौरिया ऑफ द बीजेपी इज नाउ जॉइनिंग अस ऑन द फोन लाइन फॉर मोर ऑन दिस। सुधींद्र भदौरिया, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? डू यू थिंक अ strict action probably is needed at this point in time for somebody like Dayashankar? I beg your pardon, this is Sudhindra Bhadoria from BSP who is now joining us on the phone line. How would you respond? What kind of an action do you demand now? There are two aspects to this whole issue. One is the BJP's mindset. It is not only Dayashankar who has spoken now, and some days back he had spoken like this, comparing Ben Mayawati ji and heaping all kind of abusive language on her. Number one, earlier we had seen General V.K. Singh, who is a minister, using the same kind of language against Dalits in Haryana. Prior to that, we had seen Sadhvi Niranjan Jyoti using even much more abusive language, calling the entire minority community as bastards. Now, having said that, they go on. You see,
one of their state presidents, Madhu Mishra, who is the... But talking about what has happened, Mr. Bhadauria, let's not talk about what has happened in the past. Talking about the current issue, how would you respond? What kind of an action are you going to be taking? Because if somebody is representing your party and making such comments, I mean, you are equally responsible for it. My dear, listen to me. Day in and day out, they are hurt. Pulling abuses on us, and you are asking us to take action. What about the BJP? What has they done against General V.K. Singh? What have they done against Sarvini Ranjan Jyoti? They are there in their party, they are the honorable ministers, and they are now trying to teach us a lesson. The people of Uttar Pradesh will teach them a lesson of their life in the right. Lok Sabha elections.